अब गाइस हम लोग के साइड का लाइन जो है ना कल रात से ही कटा हुआ, लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेटअप थोड़ा चेंज है। इन केस अगर दाएं और बाएं से भैंस बकरी का आवाज आए तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखो बीबीडी सेल हो या फिर अमेजोन का ग्रेट इंडियन सेल हो, एक फोन बहुत ही ज्यादा बिक्री होने वाला आईफोन, लेकिन कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि कौन सा ले, कैसे ले, कहां से ले, क्या होगा नहीं होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो 118% आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आप आईफोन 11, 12, 13, 14 कोई सा भी आईफोन लेने का सोच रहे हो, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो 110% यहां सॉल्यूशन है। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पसंद आएगा तो लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि हमको ही पता चले कि आपका दिमाग और दिल में क्या चल रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। अब देखो गाइस यहां पे मैं आईफोन के स्पेसिफिकेशन बता के कंपैरिजन नहीं करने वाला हूं कि आईफोन 11 में और 12 में क्या फर्क है या फिर 13 या 14 में क्या फर्क है। ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, आपको चेकआउट करना तो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं आज के इस वीडियो में ये बात करने वाला हूं कि अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई 11 ले या 12 ले या 13 ले या कौन सा आईफोन ले या फिर आईफोन ले कि ना ले या फिर एंड्रॉइड से आईफोन में स्विच करें या ना करें, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आपका यूजर टाइप किस टाइप का, आप आईफोन क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, किस काम के लिए ले रहे हैं, ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि नहीं। देखो मेरे हिसाब से तीन टाइप के यूजर हैं जिनको आईफोन लेना है। जब पहला यूजर है जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, उनके लिए ये वीडियो नहीं, मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। उनके लिए अलग टाइप की वीडियो होती है, उनको ये जानना होता है कि क्या क्या फीचर्स हैं, ऑलरेडी वो बनी हुई वीडियो वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। दूसरे जो होते हैं उनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो एडजस्ट करके आईफोन लेना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। जो तीसरा यूजर होता है वो फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड से iOS इसलिए स्विच करना चाहता है कि वो देखना चाहता है कि iOS में किस टाइप का माहौल चल रहा, किस टाइप का परफॉर्मेंस मिल रहा, किस टाइप का कैमरा मिल रहा, किस टाइप का बैटरी मिल रहा। तो कहीं ना कहीं उसे एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस चाहिए था जिसे वो लंबे समय तक यूज कर पाए। तो ये तीन टाइप का कैटेगरी आप देख लीजिए किस कैटेगरी में आप आते हैं। अब इस ध्यान से समझिएगा कोई चीज हम आपको क्या बताना चाहता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आईफोन आप लेने का जब सोचते हो ना कि आईफोन 11 लेना, 12 लेना, 13 लेना, कुछ भी लेना, फॉर एग्जांपल आप आईफोन 11 लेने का सोच रहे हो, तो होता क्या है, आप यूट्यूब पर सर्च करते हो कि आईफोन 11 में क्या क्या फीचर्स है, आईफोन 11 वर्सेस आईफोन 12, और वहां पे आपको पता चलता है कि भाई थोड़े से पैसे मिलेगा तो आप आईफोन 12 ले सकते हो। फिर जब आप 12 के वीडियोस देखते हो तो आपको वहां पे ये समझ में आता है कि 12 से अच्छा कि आप 13 ले लीजिए। अब जब 13 का वीडियो देखिएगा तो आपको ये बोलेगा कि भाई आप 14 मत लीजिए, 14 और 13 सेम है, लेकिन आप 14 प्रो मैक्स ले लीजिए, समझ रहे हो, यानी कि आपको मैक्स पे स्विच किया जा रहा है। यानी कि जब सोच रहे 13 का बजट है तो आप 14 ले लीजिए। आपने स्टार्ट कहां से किया, आपने सोचा कि आईफोन 11 लेंगे यहां पे, लेकिन आपको क्या बताया गया कि 12 ले लीजिए, फिर आपको कहा गया कि 13 ले लीजिए, फिर क्या कहा गया कि आप डायरेक्ट 14 प्रो मैक्स ले लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा कौन देगा, पैसा चचा देगा, इतना ज्यादा जो आईफोन का रेट बढ़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका वो यूज है कि नहीं, आपको उस फोन में उस टाइप की रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं, ये कौन बताएगा। बस बता देते हैं कि भैया इससे अच्छा है कि ये ले लो, इससे अच्छा है कि ये ले लो। अब इतनी ज्यादा वीडियोस बन रही है ना आईफोन को लेके कि आईफोन बाइंग गाइड, आईफोन ये, आईफोन वो, आईफोन 12, 13, बीबीडी सेल, फलाना ढिमकाना, कि मेरा दिमाग चकरा गया। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियोस देखा, सिर्फ वीडियोस देखने का मकसद ये नहीं था कि मैं उनकी वीडियोस देख रहा था, मैं कमेंट पढ़ रहा था बेसिकली। जितने भी व्यूअर्स ने कमेंट किया था सारे लोग कंफ्यूज हैं, 13 14 ले, 15 ले, 11 ले, 17 ले, 18 ले, इतना ज्यादा कंफ्यूजन था कि मजबूरी में मुझे आज के दिन ये वीडियो बनाना ही पड़ा। अब हम क्या ही करें। आपको ये कौन बताता कि अगर आप एडजस्टमेंट करके आईफोन ले भी लेते हो ना तो बैक साइड अगर टूट गया और डिस्प्ले टूट गया तो पैसा कहां से लाओगे। ये तो एंड्रॉइड यूजर भी अच्छे से जानते हैं कि कितना ज्यादा अमाउंट लगता है, iOS का तो छोड़ दीजिए। मैक्सिमम आईफोन यूजर का देखिएगा ना, जो बैक और डिस्प्ले टूटता है कोई भी नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता भाई, इसके पीछे का रीजन यही है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है भाई। तो एडजस्टमेंट करके कभी भी आईफोन मत लीजिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ही लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप आईफोन ही मत लीजिए। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा एक ही चीज है कि अगर आपको आईफोन 11 का जरूरत है तो आप आईफोन 11 लीजिए, 12 मत लीजिए, और अगर आपको 12 का जरूरत है तो 12 ही लीजिए, समझ रहे हो बात। आपको ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर यूज उसके बेसिस पे ही फोन खरीदिए। ऐसा नहीं कि कंपैरिजन वाला वीडियो देख लीजिए उसमें कह रहा है कि आईफोन 11 की जगह 13 लीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट वाला पैसा आपके पास है भी नहीं, इधर उधर से गुर्दा कर लीजिए बेच के आप ला रहे हैं, तो फिर दिक्कत तो होगा ना। अगर गलती से टूट टाट गया तो फिर क्या कीजिएगा। तो कहने का मतलब सिंपल एंड शॉर्ट यही है कि अगर आपको जरूरत है तो आप लीजिए, 11 लीजिए, 12 लीजिए, 13 लीजिए, जो लेना लीजिए, अपने पॉकेट के हिसाब से लीजिए, किसी के बताने के हिसाब से मत लीजिए। डोंट पुश योर लिमिट, आप अपना लिमिट को मत बढ़ाइए झूठ मूठ का। आपको जरूरत है तो लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए। आपको दुनिया क्या बोल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है भाई, समझ रहे हो। पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सोच समझ के खर्च कीजिए। और अगर आपको आईफोन फोकस मारने के लिए लेना है, चमकाने के लिए लेना है ना, तो आईफोन 11 लीजिए, 12 लीजिए, डजंट मैटर भाई, पीछे वाला सेबो जो है ना सेम चमकता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हो मेरे बात। अब देखो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि आपको चीजें समझ में आए कि जो चीजें चल रही हैं YouTube पे, जिस स्टेप से आपको प्रेजेंट किया था उस स्टेप की चीजें नहीं चल रही। अगर 11 की जरूरत है 11 लीजिए, 12 की जरूरत है 12 ही लीजिए, झूठ मूठ का स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है अपना बजट को। वो बस एक फोन है, आईफोन इज जस्ट अ फोन।
आप कितना एग्री करते हो मेरे बात से, नीचे कमेंट में खुला हुआ है, आके बताइए, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। और गाइस अगर आप आईफोन लेने का सोच ही रहे हो कि 13 ले या 14 ले, तो उस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जाके चेकआउट कर लेना, क्लियर एंड कट आंसर मैंने आपको वहां पे प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। दो वीडियोस मैंने बनाया है शायद आईफोन 12 को लेके और आईफोन 13 और 14 को लेके, तो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिए अगर आप लेने का सोच रहे हो। तो गाइस रिमेंबर, आपका एक उंगली है कमाल, हमारा गुर्दा मज्जा का बवाल, तो फटाफट से लाइक कीजिए और इस टाइप की वीडियोस पसंद आती तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल जरूर।